ଟିକେ ଜୋରେ ଟିକେ ଜୋରେ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭା ଦେବେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ଦିଏ ନାଇଁ କହି ଜରୁରୀ वीडियो में मुझे कमेंट्स आती है वो कह रहे कि आवाज नहीं आ रही और वीडियो में जो मैं देखो सर ना देखो सर आवाज आ सर जो रे हरे कृष्ण माइक लग हल्की बहुत आवाज कर रहा है नहीं नहीं जरूरत माइक रहा हर कान में भीतर से सुन हरे कृष्ण बताइए गॉड रमन दे हरि दे की जय ओम ज्ञान तुम राम से ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च अतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीशः गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीलावर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते हैं उनका प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्यर निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति आय। महाप्रभु प्रश्न करते हैं कि जीव का साधन किया और जीव का साध्य साध्य मतलब होता है जीव का लक्ष्य किया है तो उन्होंने राय रामानंद बताए स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति आय। जब जीव अपना स्वधर्म को आचरण करता है तभी इसको भगवान की भक्ति मिलती है। यहाँ पर जो स्वधर्म की बात बताए कभी ये वर्णा और आश्रम धर्म का उन्होंने बात बताई है। जिस वर्ण में हमने जन्म लिया जिस आश्रम में हमने जन्म लिया अगर उसको हमने सही आचरण करते हैं फिर धीरे 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 भगवत भक्ति धीरे धीरे अगर कोई अपना वर्ण धर्म का आश्रम को आचरण नहीं करे हैं वर्ण और आश्रम को कह तो भाई भक्ति जगत में बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर कोई उत्पटांग करे वर्ण बोले वर्ण धर्म को आचरण करने का क्या जरूरत है हैं। इसलिए जब तक जीव इसको आचरण नहीं करे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है इसलिए नहीं तो वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसलिए भगवान जगत को कैसे सुष्ट रूप में ये जगत धीरे धीरे चलते रहे इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं ही चतुर्वर्ण मया सृष्टम मैंने ही चारि वर्ण चार आश्रमों को मैंने ही सृष्टि किया। बोले क्यों ये सृष्टि की जो परंपरा ये धीरे 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 आगे चलते रहे इसलिए भगवान इसको कैसे उन्होंने किया बोले गुण और कर्म से। यहाँ पर एक विशेष बात आती है इसलिए भागवत में बताया जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिपंचकम जत अन्यत्र त्वनिर्वम विनिर्देशत। इसका मतलब है अगर ये जो बताया ब्राह्मण का ये गुण है
शूद्र का ये गुण है, वैश्य का ये गुण है, हैं, क्षत्रिय का ये गुण है। अगर वो गुण अगर और कोई सी जाति में अगर दिखाई पड़े ना, उसको उसी का अनुरूप उसको निर्णय करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण का काम किया, पूजा पाठ श्रद्धाएँ हैं, इसलिए देना लेना ये पूजा पाठ ब्राह्मण का स्वभाव। लेकिन हम दिखते हैं जो किसी किसी शूद्र जाति में भी वो स्वभाव दिखाई पड़ता है। जैसे सबरी ये छोटे जाति में जन्म ली, लेकिन इसके अंदर भगवान की भक्ति दिखती है। हनुमान जी ये बंदर कुल में जन्म लिया, इनके अंदर भी भक्ति के भाव दिखती है। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म लिया, लेकिन इनके अंदर में भी भगवत भक्ति दिखती है। श्री गुहो के चंडाल, श्री विभीषण हैं, और हम लोग ब्राह्मण घर के कोई है नहीं, लेकिन इनके अंदर में भी क्या दिखती है, पूजा पाठ भजन भक्ति पाठ दिखती है। इसलिए कहते जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम, शास्त्र में जो बताया गया ये लक्षण की इन इनका जत अन्यत्र भी दिश्यते, अगर वो चिन्ह और किसी में अगर दिखाई पड़े तो वे तो नहीं वम विनिर्दिश्यते, उसको ही ब्राह्मण माननी चाहिए। अगर एक ब्राह्मण को अंदर में शूद्र गुण दिखाई पड़ता है, कोई ब्राह्मण का धर्म कर्म नहीं, झूठ बोलना, बेईमान करना, शराब पीना, गुटखा खाना, मांस खाना, कहते तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाए, उसको क्या कहा जाएगा, उसको शूद्र कहा जाएगा, वो ब्राह्मण बनने का लायक नहीं। इसलिए अक्सर करके दिखाई पड़ा जो ब्राह्मण हैं, जैसे हमारे गौतम ऋषि, जैसे ऋषि हैं, ये जैसे वशिष्ठ पराशर, अगर इनका जीवन को अगर हम देखते हैं कि कोई भी ब्राह्मण घर में जन्म नहीं, व्यासदेव किसके और से जन्म हुए, किससे, सत्यवती, सत्यवती किसकी बेटी है, ये धीवर की है। इसलिए श्री गौतम ऋषि कहाँ से सृष्टि हुए, गौतम ऋषि कहाँ सृष्टि हुए, और ऋषि सिंह ऋषि किससे सृष्टि हुए, बोले हरिण से, हिरण से, हिरण से सृष्टि हुए गौतम ऋषि। इसलिए कहते कोई कुंभ से प्रकट हुए हैं। इसलिए इनका जीवन अगर देखते हैं ना, विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, जब उन्हें ब्राह्मण धर्म को ज्यादा नहीं किया, फिर उन्हें ब्रह्मर्षि प्राप्त हो। इसलिए जितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हम कथा सुनेंगे, ये कोई भी ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुए, ये सब जन्म से नहीं हुए, ये सब सब कर्म से हुए। इसलिए भगवान कहते हैं चतुर्वर्णमय आश्रिष्टम, मैंने जो चार वर्ण आश्रम सृष्टि किया गुण कर्म के हिसाब से, न तो जन्म से, गुण कर्म की हिसाब से सृष्टि किया है। इसलिए यहाँ श्रीमन महाप्रभु जो वर्ण और आश्रम की बात बताए, अगर इसको सही सही कोई जाजन करे ना, फिर धीरे 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 वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए इसको उल्लंघन करते हुए अगर कोई छलांग लगाने के लिए कोशिश करे तो फिर तो वो भगवत भक्ति में बढ़ नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर इसलिए भक्ति दो तरह का बताया, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति। भक्ति दो तरह का है, वैद्य भक्ति उसे कहते हैं शास्त्र के शासन के अनुरूप जो भक्ति करे हैं, इसको वैद्य भक्ति कहते हैं। अगर शास्त्र के शासन का अनुमोदन नहीं करेंगे क्या होगा, अगर भक्ति नहीं करोगे ना, घोर नरक में जाना पड़ेगा, 84 लक्ष्य जी में भटकना पड़ेगा, जब जब संसार में आओगे तब तक कष्ट बहुत पड़ेगा हैं। इसलिए शास्त्र के शासन एक, इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने बताया जीव का साधन किया और साध्य किया है, यहाँ पर बताए स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, अपना स्वधर्म आचरण में ही जीव का विष्णु भक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु ने तो ये बात बताए, तब महाप्रभु ने बता दिया यह बाज्य आगे कहा, कहिए बाहर का विषय है उसके और आगे बोलो। बोले क्यों बताया ये बाहर का विषय, कारण ही जीव का जो स्वधर्म है क्या चीज, एक तो वर्ण और एक आश्रम। कहते जीव का स्वधर्म क्या है, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है हम सब के सब भगवान कृष्ण के नित्यदास है।
इसलिए जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, वो चेतन है, वो अमल है और उसकी स्वरूप में सुखी ढेर है, सुखी ढेर है। लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट कितना है। जीव तो ईश्वर का अंश है लेकिन जीव अभी क्या हो गया, वो माया में वशीभूत हो गया। वशीभूत होकर कैसे बंध गया, तो हमने दो उदाहरण देकर समझा, बोले मरकट और कीट। मरकट मतलब है बंदर, जो बंदर को पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ते हैं, कहते मिट्टी को अंदर में एक कलसी गाड़ देते हैं और उसका मुंह उतना बड़ा होता है जितने बड़े से केवल उसका बंदर का हाथ अंदर में जा सकता है और उसको दिखा दिखा करके उसको अंदर में कोई फल डाल दें और जा करके पेड़ गाड़ में छुप जाएगा। बंदर ने देखा है, ओह वहाँ पर फल दिया, छलांग लगा करके आएगा और उसका हाथ तो घुसा देगा, हाथ तो घुस गया लेकिन जब वो फल को पकड़ लेता ना हाथ हो जाता है बड़ा, जब वो निकलना चाहता है फिर तो वो हाथ नहीं निकलता है, लेकिन उसको ऐसे अनुभूति होता है जैसे अंदर से मेरे किसने पकड़ करके रखे, लेकिन उसको कोई भी अंदर से पकड़ करके नहीं रखा, वो स्वयं पकड़ करके। दूसरा उदाहरण दिया कीट मतलब तोता, तोते को जो पकड़ते हैं वो ऐसे एक रख करके उसको अंदर कोई फल लटका देते हैं और नीचे जो पंखा घुमाते ना ऐसे ऐसे जब बांस होता है और उसको बीच में एक डंडा से रख देते हैं और वो तोता अगर उसके ऊपर बैठ कर जो खाने के लिए जाता है ना वो फिर झट घूम जाती है, वो लटक जाता है नीचे, लेकिन लटक जाता है लेकिन उसको ऐसे अनुभूति होता है जैसे मेरे हाथ को किसी ने पकड़ कर रखा, लेकिन उसको कोई भी पकड़ करके नहीं रखा, वो स्वयं पकड़ कर रखा, फिर बहली आकर उसको पकड़ करके ले जाता है। इसलिए यहाँ सिखा देते हैं जो जीव है हमें कोई नहीं पकड़ा है, हम स्वयं माया को पकड़ करके हम स्वयं रखें, हम स्वयं पकड़ करके हम कहते हैं अगर हम चले जाएंगे घर छोड़ करके फिर बेटा क्या करेगा, बेटी क्या करेगा, बेटा का पढ़ाई कैसे होगा, फिर संसार कहते हम क्या मर जाने पर काम नहीं चलेगा, बढ़िया से काम चलेगा। महाप्रभु जो सन्यासी ग्रहण किए उनने सिख्या दिया है, महाप्रभु जो सन्यासी ग्रहण किया कौन सा अवस्था में सन्यासी ग्रहण किया, उनका क्या स्थिति थी, पहले बड़ा भैया साधु बन कर गया, उसके बाद में पिताजी शरीर छोड़ दिया, फिर घर में जो स्त्री है 16-17 साल की स्त्री है और घर में केवल एक बूढ़ी मैया, और घर में कोई एक घर में बूढ़ी मैया एकदम और घर में 15-16 साल की पत्नी, और पहले बड़े भाई साधु बन कर गए, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन इसी अवस्था में महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करते, कोई सोच भी नहीं सकता, पहले स्त्रियां घर से कोई बाहर नहीं जाती थी, काम करने के लिए घर में रहा करते थे, फिर एक बूढ़ी मैया उसी अवस्था में, यहाँ से क्या दिया जगत में जितने जीव का जो धर्म है पता ना सबई गुण सा पर धर्म जत भक्ति रथक सजे अहय तुति अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। जीव का यही परम धर्म है, तरह तरह का धर्म है, जात धर्म, देश धर्म, दुनिया के बहुत सारे धर्म है, लेकिन उसमें जीव का सबसे परम धर्म क्या है, बोले भगवान को प्रेम करना। पर धर्म जतो भक्ति रधक सजे मतलब भगवान अधक सज मतलब हमारी इंद्रिय से जो अतीत जो भगवान है उनको प्रेम करना ही जीव का यही सबसे परम धर्म, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे अगर हम साधु बन गए तो मेरी मैया की क्या हो, मेरी भैया की क्या हो, मेरे पिताजी की क्या हो। रघुनाथ दास गोस्वामी दो भाई उनके एक बेटा है, उसी अवस्था में उन्होंने घर छोड़ करके भजन करने की उसी अवस्था में गए। इसलिए यहाँ सिख्या देते हैं जीव जब भगवान की शरण में आ जाता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्य मुक्षयसि माम सुच। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तू सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओगे तुमको सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए जगत में जन्म लेने पर उसको 6 ऋणी को चुकानी चाहिए, कितना ऋणी को,
छह ऋणी उसको चुकानी चाहिए, छह ऋणी क्या है, लेकिन देवता का ऋणी हवा बतास जल अग्नि हवा दे, दूसरा ऋषि ऋणी, ऋषि लोग ये ज्ञान देने वाले ऋषि लोग हैं, एक इनका ऋणी, तीसरा ऋणी है देवताओं का ऋणी, देवर से भूताप तक, कहते एक ऋणी है कहते जीवों का ऋणी, क्योंकि जगत में जन्म लेने पर भाई बंधु कुटुंब परिवार सबसे मदद लेना पड़ता है, कहते ये एक ऋणी है, एक ऋणी है पिताजी का ऋणी, और एक ऋणी है माता जी की ऋणी, मैया हमें गर्भ में 9 महीना तक धारण किया है, जन्म दिया है, इसलिए हमें लालन पालन किया है, इसलिए और एक देवर्षि, देवर्षि भूतापत निणाम, एक होता है राजा का ऋणी, राजा अगर नहीं रह जाएगा गलत में अराजकता फैल जाएगी, फिर तो हम ठीक से रह नहीं सकते, इसलिए कहते जगत में जन्म लेने पर उसको 6 तरह का ऋणी उसको मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा, लेकिन भगवान कहते हैं सर्वात्मना जम शरणम शरणम, अगर कोई व्यक्ति मेरे चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाए उसको कोई भी ऋणी चुकाने का जरूरत नहीं, सारे ऋणी से मुक्त हो जाए, तो बोले क्यों, कहते ये जितने सारे देवा देवी है ना तो सबके सब मेरे से ऋणी है, इनको मैंने एक एक पोस्ट में नियुक्त किया है, इसलिए मत भयात बातिवाद सूर्यस्तपति मत भयात, मतलब दुनिया में जो कुछ काम हो रहा है, हम कहते हैं ना ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, इसलिए सब कुछ मेरी इच्छा से होता है, इसलिए जब जब जी मेरे शरण में आ जाते हैं उसको कोई ऋणी चुकाने का जरूरत नहीं, कहते कि जो माता की ऋणी अगर भगवान की भक्ति नहीं करे तो जो संसार में मैया की ऋणी चुकाए, जन्म दिया पिताजी की ऋणी चुकाए, बोले माँ की ऋणी तुम नहीं चुका सकते हो कभी, किसी जीवन में चुका नहीं सकते, इतना ऋणी माँ के चरण में जीव रहता है, इतने ऋणी 100 जन्म में भी माँ की ऋणी कोई चुका नहीं सकते, इतने ऋणी जीव माँ के जन्म, वो सबका ऋणी कैसे तुम चुकाओ, इसलिए भगवान कहते हैं जब कोई जीव सबको जो छोड़ कर के मेरे चरण में आता है, अभी उनका भी पीछे से काम रह गया ना, सब काम करने का, भगवान कहते 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को मैंने नियुक्त करके रखा, जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आएगा उनका पीछे से काम रह गया कि काम तुम लोगों का, ये सब काम तुम लोगों का, तुम लोगों को सब काम को मिटाना, क्यों, वो मेरे शरण में आ गए, मेरी भक्ति करने के लिए वो आ गया है, इसलिए सब ऋण को तुम चुका देना है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो जीव का जो असली जो स्वरूप है कौन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सबके सब भगवान के नित्य सेवक हैं, उनकी नित्यदास है, इसलिए इसलिए जीव का परम कर्तव्य क्या है, भगवान को भक्ति, भगवान को प्रेम करना, यही जीव का स्वरूपानुबंधी इसका धर्म है, इसका यही केवल एक धर्म है, अगर जीव अगले एक धर्म को अगर जीव चुका देना सारे धर्म से मुक्त हो जाते, अगर केवल एक धर्म को नहीं चुका करके अगर विश्व ब्रह्मांड के सारे धर्मों को अगर चुका भी दे तो उसको कोई लाभ होने वाले नहीं, इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने बताए महाप्रभु ने पूछा जीव का है साध्य किया है और साधन किया है, बोले स्वधर्म आचरण करने पर विष्णु भक्त करता है, लेकिन हमने स्वधर्म बताया वर्ण और आश्रम धर्म, इसलिए हम लोग कल सुना था वर्ण और आश्रम धर्मों को अगर जीव 100 जन्म तक भी पालन करे वो स्वर्ग जा करके स्वर्ग मोह नहीं तो जन लास्ट में सत्यलोक तक जा सकता है, लेकिन जब फिर उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर इस जगत में फिर जीव आए फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र में फिर उसमें ही भटकता रहेगा, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं मानव मात्र के लिए भक्ति ही निरति से प्रिय एवं प्रयोजनीय, मानव मात्र का कहते हैं कहते निरतिशय और प्रयोजन सब समय और जो प्रयोजन किया है कहते भक्ति ही, क्योंकि भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान ज्ञान से कर्म से योग से भोग से किसी को द्वारा भगवान को संतुष्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति
यत्या अहम एतयात राज्यम है न साधयति माम सांख्यम। भगवान उद्धव जी को कहते हैं उद्धव ये सांख्य को द्वारा मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते, कर्म से वशीभूत नहीं कर सकते, योग से मेरे को कोई भक्ति नहीं कर सकते। जत्ता भक्त्या मनार्जित मतलब भक्ति को द्वारा जैसे मेरे को संतुष्ट कर सकते हैं, दुनिया में और किसी को द्वारा जी मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते भक्त का भगवान, भगवान किसका है, भक्त का ही भगवान है। इसलिए अतिरिक्त सभी कुछ अनिपेक्ष और वितृष्णा में कहते भगवान की भक्ति को छोड़कर और जितने जगत में वस्तु है कहते ये क्या है, इसके सबके सब ये वितृष्णामय और सबके सब अनपेक्षित कहते ये जीव का कोई भी परम धर्म नहीं, जीव का ये कोई भी कर्म नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप है हम भगवान की सेवक है, भगवान के अंश है। इसलिए होने का नाते हमारा कर्तव्य भगवान को भक्ति करना। इसलिए भक्ति युक्त आत्मा के द्वारा ही भगवान वर्णीय है, इसलिए भक्ति युक्त द्वारा ही भगवान केवल उसको द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, इसलिए सबरी के झूठा बेर खाए और बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यही जीव का परम धर्म है, इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान को झूठे से द्वारा खुश होते हैं। इसलिए जब भगवान सबरी के पास में पहुंचे, इतने में सबरी तो बड़े दिन से गुरु जी बोल कर गए थे ना, हैं गुरु जी बोल कर गए थे बोले बेटी कोई चिंता मत करो, यहीं पर एक दिन साक्षात परम ब्रह्म भगवान आने वाले, अकेले नहीं भाई के साथ में आए, गुरुदेव बोल कर गए। इसलिए गुरु जी की वाक्यों के प्रति विश्वास रखनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करा एक आर ना करी हमने, हाँ गुरुदेव ने जो वाक्य बोले विश्वास करनी चाहिए। गुरुदेव बताए भगवान आए, अभी रोज रोज क्या करती है रास्ता में फूल बिछवाती, रोज फूल बिछवाती और पूरा झाड़ू लगाती, क्यों गुरुदेव बोले ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जरूर आएंगे, लेकिन दिन भर ऐसे बैठ रहे थे कब आएंगे कब आएंगे कब आए। गुरुदेव कब बोल कर गए थे, जब एकदम जवानी थी जवानी थी, लेकिन ठाकुर जी आए कब, जब एकदम बूढ़ी हो गई, दांत टूट गई, एकदम बुरी हो गई, तब ठाकुर जी आए। लेकिन उसने ये नहीं किया है, अरे गुरुदेव बोल कर गए पता नहीं कब आएंगे, हम कभी कभी ये हो जाते ना, अरे गुरुदेव माला दिए भजन कर रहे हैं अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, नहीं जब गुरुदेव ने बोले हैं जरूर भगवान हमें मिलेंगे, ये विश्वास हमारी होनी चाहिए। जब ठाकुर जी आए और भगवान को देख कर इतने प्रेम में गदर गदर हो गए, बोले गुरुदेव ने जो बताया था सही बताया था, हैं अभी कहाँ बैठा है, कहाँ क्या करेगी, अब तो बाबरी बन गई, इतने में भगवान को आसन देकर बैठा है, और जो बेर लाई थी पहले खा रही थी, खट्टे को फेंक रही थी और मीठे फल को ठाकुर जी को खिला रही थी, और ठाकुर जी बड़े खुश होकर खा रहे थे, हैं बोले बहुविध स्वाद बताई, बोले सबरी तेरी झूठे बेर में जो आज आनंद आया ना, ये वैकुंठ में मेरे को लक्ष्मी सेवा करती हैं उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना तुम्हारे झूठे बेर में आनंद आया। भगवान बन करके आए, दूत बन करके, शांति दूत बन करके आए, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विद्रोह घर खाए, भगवान उसका मेवा मिश्री को त्याग दे दिया, कहाँ पर गए, गए श्री विदुर जी के घर में, और घर में विदुर नहीं थे, विदुरानी थी, भगवान को देख करके बोले मेरे घर में भगवान, मैं तो कभी बात तो सोच भी नहीं सकता मेरे घर में कभी भगवान आएंगे, हैं कहीं आता है सागवाजी खिलाए, कहीं आता है केले का छिलका खिलाए, और केले फेंकते जा रहे हैं छिलका खिलाते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में विदुर जी आए, बोले पागली क्या कर रहे हो, भगवान को छिलका खिला रहे हो, अब इसको होश आया, बोला हमें क्या कर रहे हो छिलका खिला रही हूँ, हैं फिर भगवान को केले खिलाना शुरू की। भगवान ने कहा पहले छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना, अब यो केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, हैं बोले विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ छिलका भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम ही खाता हूँ, मैं प्रेम ही खाता हूँ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति युक्त आत्मा का द्वारा ही भगवान वर्णीय है।
भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकती हो, मतलब भक्ति युक्त भक्ति को द्वारा ही उनको प्रसन्न कर सकते। निरंतर समृद्धि विशिष्ट ज्ञानमय कर्मानुगृहित भक्ति योग ही धीरे धीरे परम भक्ति रूप ज्ञान विशेष को उद्भूत कर उद्भूत करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुकर्मणा तमस्तभ्य सिद्धि विनंति माधव, मानव अपना अपने कर्मानुष्ठान में निरंतर रह करके सिद्धि लाभ करते हैं। समस्त प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान से ही इस जगत का विस्तार होता है। इतना ज्ञान होने पर ही मानव भगवान के प्रति उन्मुख होता है। फिर जीव कब भगवान प्रति उन्मुख होता है, जब उसको ये ज्ञान होता है, है? क्या ज्ञान होता है कि जो विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया किसने, भगवान ने दुनिया को बनाया। हमने किसने बनाया, भगवान ही हमें बनाया। और एक दिन क्या होगा, भगवान से ही सृष्टि हुआ और एक दिन समस्त वस्तु भगवान में ही विलीन हो जाएगा, है? इसलिए हम लोग को सृष्टि भगवान ने किया, तो भगवान ने अगर हमें सृष्टि किया, हमारे कर्तव्य किया है, मतलब भगवान को भक्ति करना ही हमारी कर्तव्य है, है? इतना ज्ञान होने पर ही मानव भगवान के प्रति उन्मुख होता है। इस विशुद्ध भक्ति पथ का परंपरा क्रम से भगवान बोधन अनुबोधन श्रीमद् भागवत में कहा गया भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणा देवी। अभी जो भगवान के प्रति भक्ति हम करेंगे, विशेष करके कलयुग में भगवान के प्रति जो हम भक्ति करेंगे किस रूप में करेंगे, बोले एतद् निर्वृत्त मानानाम इच्छताम अकुत भयम योगी नाम निर्पनिर्णित हरने नामान कीर्तनम भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणा। इसलिए शास्त्र कहता है कलयुग में भगवान को भक्ति करने का सबसे सरल उपाय भगवान बताए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं, क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और बड़ जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ भक्ति योग कहने से भी अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु भगवती पद भी प्रयुक्त होता है, हैं? इसलिए अभीष्ट अर्थ की भगवती इसका विशेष तात्पर्य जब नाम ग्रहण स्मरण आदि द्वारा भक्ति के सभी अंग का एकमात्र भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित होती है तब उसे भक्ति योग कहते हैं। यही भक्ति योग प्रेम करने में सक्षम है। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम ग्रहण करने से भक्ति योग करने से क्या होता है, कहते एक में तो आत्मा को शांति मिलती है, एक में तो आत्मा को शांति, और उसको द्वारा क्या होता है, भगवान की भी प्रीति होता है, भगवान को भी प्रीति होता है और हमारा आत्मा को भी शांति मिलती है। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कहते जो जीव है ना वो अपने आप जीव प्रसन्न हो जाता है, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते, भगवत प्रीति से ही जीव को प्रसन्नता तभी प्राप्त होता है। इसलिए उसे भक्त यही भक्ति जो प्रेम भक्तों भगवत प्रीति विधान के अतिरिक्त जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंग समूह अन्य अन्य उद्देश्य अनुतिष्ट होते हैं उन्हें भक्ति योग संज्ञा से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहते हैं अगर हम कोई श्रवण कीर्तन स्मरण हम कोई कुछ काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, अगर उसको द्वारा अगर भगवान की प्रति कोई प्रीति नहीं है, जो यज्ञ भाई विष्णु भगवान हाँ यज्ञार्थात कर्म नत्र कहते भगवान को प्रीति को छोड़ करके और जितने सारे कर्म हैं उसको द्वारा क्या होगा, जीव को केवल कर्म बंधन की प्राप्ति, केवल कर्म बंधन की प्राप्ति होगी, उसको द्वारा कुछ नहीं होने वाले। इसलिए भागवत में बताया आता है ना नृग महाराज कथा, नृग महाराज की कथा थी, हैं? इसलिए एक दिन कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा एक कुएं के अंदर में गिरगिर पड़ा हुआ, गिरगिट पड़ा हुआ फंसा हुआ निकल नहीं पा रहा है। कृष्ण का बच्चों ने कोशिश की निकालने के लिए लेकिन निकाल नहीं पाए। कृष्ण बोले पिताजी अब तो जल्दी आओ, देखो अंदर में गिरगिट फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है। कृष्ण सब जानते हैं
तो उन्होंने कृष्ण अपना चरणों को बढ़ाया, चरण स्पर्श होते ही वो जो गिरगिट था बड़ा सुंदर एक देवता रूप धारण किया। कृष्ण के बच्चे तो आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या, ये इतनी सुंदर राजा देवता ये गिरगिट क्यों बना था। कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण ने पूछे आप कौन हो, बोले आप तो भगवान, आप क्या नहीं जानते हो। अब सुने होंगे सत्ययुग में एक राजा हुए जिसका नाम था नृप, बोले हाँ ये तो पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा और सबसे बड़ा दानी, इससे बड़ा दानी जगत में कोई नहीं थे, हाँ कोई नहीं थे। कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद गिन सकता है, लेकिन इनका दान को नहीं गिन सकते, इतने बड़े दानी, फिर आप ये क्यों हुए। फिर मेरे बीच में गड़बड़ी हो गई, मैंने ब्राह्मण को, मैंने गया दान दिया एक ब्राह्मण को संकल्प करके, फिर वो गया आकर दूसरे गया में मिल गया, मेरे को पता नहीं चला, संकल्प करके फिर मेरे दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अभी दोनों बीच में मिले, बोले ये मेरी गया है, मेरी गया, लड़ते लड़ते आए, मैंने प्यार पड़ गया, मेरी तो गलती हो गई मेरी, क्योंकि संकल्प करके जिसको एक बार दे दिया दो बार नहीं देनी चाहिए। बोले इसका बीच में मैं 10 गया ले ले दूँ, बोले नहीं यही चाहिए, दोनों अकड़ गए, बोले 100, बोले नहीं, बोले 1000, बोले नहीं, 1,00,000, बोले नहीं, 1,00,00,000, बोले नहीं। बोलो तो गिरगिटी जैसे रंग बदलाते हो, हैं गिरगिटी जैसे रंग बदलाते, तो गिरगिट बनना पड़ेगा। जब स्वर्ग में गए बोले तेरे तो इतना पुण्य है, हैं जब मरने का बात गए बोले इतना पुण्य है, हैं तुम अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन बीच में गलती भी तुम्हारी। बोले क्या है, बोले तुमने जो गया दान दिया था संकल्प करके दूसरे को दे दिया, ब्राह्मण बिगड़े और अभिशाप दिए, तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा, बताओ पाप थोड़ी पुण्य ज़्यादा क्या लोगे। बोले भैया पाप जब थोड़ी सी उसको ही ले लेता। बोले कब की कथा है ये, सत्ययुग की, कृष्ण कब मिले द्वापर का अंतिम में, इतने दिन तक उसने गिरगिट बन, करोड़ों साल तक गिरगिट। कहती जगत का जो दान पुण्य है ना, दान पुण्य है, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तुम्हारी, उसका फल क्या है, बस घोर नर्क भोगना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इसका उद्देश्य भगवत उद्देश्य था नहीं, इसमें भगवान की उद्देश्य में नहीं था। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो पाप और पुण्य ये दोनों को त्याग दो, पुण्य भी मत करो और पाप भी मत करो, ये दोनों ही बंधन। बोले तृतीय पंथ था मुरारी, तृतीय पंथ को क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, इसमें कभी गलती नहीं होती। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, हैं कहते जाना स्थाय नर राजन न प्रमादित कही चीत धावन निमिलमा नेत्रे न स्खलित न पतेत, श्लोक याद है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी जो भक्ति में है ना, अगर तुम्हारी कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं, दोष नहीं लगता है। बोले धावन निमिलमा नेत्रे, अगर तुम दौड़ करके जा रहे हो, नहीं तू आंख बंद करके अगर जा रहे हो ना, तुम्हारे पैर स्लिप करेगा ही नहीं, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, जैसे आंख बंद करके अगर तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, अगर कहीं आएगा दीवार आएगा भी टकरा नहीं सकते हो, कोई गिर सकते हो। बोले भक्ति का मार्ग इतने चौड़ी मार्ग है, आंख बंद करके भी जाओगे ना, भागते हुए भी जाओगे, कहीं ठुकराओगे नहीं, रास्ता इतने चौड़ी है, हैं धावन, धावन मतलब होता है दौड़ते हुए। बोले इसका मतलब क्या है, दौड़ते हुए मतलब क्या है, बोले दौड़ते हुए मतलब है जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले देखो रोज 1,00,000 हरिनाम करना, जो 1,00,000 हरिनाम नहीं करते हैं उसका हाथ का खाना मैं नहीं खाता हूँ, उसका हाथ खाना, लेकिन अभी हम 1,00,000 हरिनाम नहीं कर पाए, 16 माला कर रहे हैं, क्या दोष हो जाएगी, नहीं उसमें दोष नहीं, अगर 2 भी माला कर रहे फिर दोष हो जाएगी, बोले नहीं, जितना करोगे तुम्हारे उतना ही कल्याण ही होगा, हाँ जितना करोगे उतना ही तुम्हें कल्याण ही होगा। हाँ अगर तुम्हें पता है ये करनी चाहिए रोज, अभी पुरुषोत्तम महीना, रोज स्तुति करो, स्तप करो, तुलसी में पानी दो, परिक्रमा लगाओ, तुलसी में दिया जलाओ, भागवत कथा सुनो रोज रोज, लेकिन हमसे इतने नहीं हो पा रहे, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, क्या उसमें तुम्हारी गिरोगे, नहीं गिरोगे, बल्कि जितना करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा, कभी गिरोगे नहीं। इसलिए अंडी मिलने वा नेत्रे,
अगर आंख बंद करके अगर तुम दौड़ोगे तभी तुम्हारी कुछ होने वाली नहीं, मतलब जान तुम जानते हो सब कुछ, अगर नहीं कर तो भक्ति जगत में ना तुम्हारी कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। हाँ देखो प्रश्न है, फिर अभी इसका कृष्ण दर्शन कैसे मिला? पुण्य का फल तो पुण्य कर रहा था, पुण्य का फल है तुम जा सकते हो भूर्भुव मोहजन तप सत्य लोग तो जा सकते हो, फिर पतन हो। फिर उसको कृष्ण दर्शन कैसे मिला? देखो कितने अगर भगवान के लिए उनकी भक्ति के लिए करते हो कितना लाभ है, और दुनिया के लिए करते हो उसका कितना विकृति फल है। उसका स्वभाव था सेवा करना। एक दिन उसको घर में कोई सचमुच से कोई साधु आया जो भजन करने वाले आया, तो स्वभाव था सेवा करना, खाना खिलाया। तभी भागवत कथा कितना महिमा है, इसमें यही चीज आ रही है। इसलिए उन्होंने खाना खिलाया, बोले बाबा अब कुछ चाहिए बताओ, अगर कुछ चाहिए। हाँ बोले मेरे मन में इच्छा है रोज रोज थोड़ा भागवत पाठ करूँ, लेकिन मेरे पास में भागवत पुस्तक है, पहले तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तालपत्र के ऊपर में सब ग्रंथ होता था। तब तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुला करके एक ताल पत्ते के ऊपर में उन्होंने भागवत 18,000 श्लोक उन्होंने लिखवाया, और उन्होंने प्रदान किसको किया? ब्राह्मण को किया, साधु को किया। वो साधु था, अभी रोज रोज भागवत पढ़ता है। भागवत कौन है? कृष्ण है। भागवत कौन है? कृष्ण है। उन्होंने एक दिन एक शुद्ध साधु की भोजन करवाया और उसको भागवत ग्रंथ दिया। भागवत ग्रंथ कृष्ण है, फल क्या मिला? कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन। यहाँ शिक्षा देते हैं, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्ति जिस काम में तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही ना, जिसमें भगवान और उनका भक्त संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे काम यूजलेस है। केवल बंधन ही बंधन है तुम्हें प्राप्त होगा, केवल तुम्हें बंधन ही प्राप्त होगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ उनमें प्रेम फल प्राप्त की कदा भी संभावना नहीं। उसको तरह जो भगवत प्रेम है ना, कहते ये प्रेम जीव को ये प्रेम फल प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम की प्राप्ति के पश्चात ही स्नेह मान प्रणय आदि अवस्था प्राप्त होती है। प्रेम के बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, ये धीरे 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 भगवान के चरण में जो धीरे धीरे जो प्रेम बढ़ती है, कहते प्रेम के बाद में। इसलिए श्रीमद् भागवत वज्रादि भक्ति शास्त्र में भक्ति शब्द का उल्लेख भगवत भक्ति के लिए ही हुआ है। अतः स्पष्ट होता है कि भक्ति शब्द केवल विष्णु तत्व में ही सुस्थापित होता है, अन्यत्र कदापि नहीं होता है। हम कहते ना अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति करते हैं, कहते भैया जो ये भक्ति शब्द कहते जो भक्ति शब्द ये और कहीं प्रयोग नहीं, ये भक्ति शब्द केवल प्रयोग होता है, केवल भगवान में ही भक्ति शब्द प्रयोग होता है। ये भक्ति शब्द जहाँ तहाँ ये प्रयोग नहीं होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद शास्त्र प्रमाणित तो वचन करने के लिए कहा, साध्य का अर्थ अभीष्ट वस्तु, वस्तु जीव का स्वरूपानुबंध कर्तव्य साधन, कृष्ण सेवा सेवा की स्थिति विधान करना, स्वसुख वासना रहित कृष्ण प्रेमी यथार्थ स्वरूपार्थ स्वरूपगत साध्य है। इसलिए जब उन्होंने बताया कह रहा है साध्य निर्णय, मतलब जीव का लक्ष्य क्या है, साधन किया है, वो क्या है? केवल भगवत प्रेम भगवत भक्ति। अगर हमारी साधन के द्वारा अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं, बात समझो तुम्हारी जितने करना धरना सब कुछ तुम्हारी सार्थकता है। क्यों? भगवान संतुष्ट हो गए ना, ठाकुर संतुष्ट हो गए, मतलब तत् प्रणीते प्रणीतम जगत। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सबके सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप, और किसी को खुश करने का जरूरत नहीं, बस ठाकुर जी को केवल खुश करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के अंदर में विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी की अंदर में विद्यमान, अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए सब तुम्हारी प्रसन्न, ठाकुर सब प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर किसी को प्रसन्न करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसमें अपना सुख का कोई वासना नहीं रहनी चाहिए, इसमें भगवान सुख हो, ठाकुर जी सुख हो जाए, बात तुम्हारी सब सार्थकता हो जाए। जब उन्होंने ये बात बताया ना, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, वो जो स्वधर्म बता रहे थे वर्ण और आश्रम, तो महाप्रभु ने कहा देखो ये बाहर का विषय, उसको ऊपर कुछ बात करो। तो उन्होंने बताया जत करो सी जत स्नासी जत दोहसी तथा सी जत जत तपस्य कौनते
तत्कुरु समर्पण, चार दिया ना और दो मिनट, इसलिए कहते जो कुछ करते हो हाँ स्वरूप अनुबंधी वाला स्वरूप जीव का जो असली जो स्वरूप, इसलिए आप लोग सो कर जल्दी सो कर के नहीं अब तो महाराज जी ढाई बजे की जगह लाइट ऊपर आ रही नीचे आ रही बीच में बजे बिजली वाले को बुला के लाए, इसलिए जब उन्होंने ये बात बताई ना महाप्रभु का बाहर का बात है उसका आगे बताओ, तब बोले जो कुछ कहते हैं जो कुछ खाते हो जो कुछ करते हो जो कुछ देते हो सब कुछ मेरे को अर्पण करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करो। जब उन्होंने ये बात बताई महाप्रभु बोले ये भी बाहर की, अगर और कुछ हो इसको ऊपर में और कुछ बात बताओ, अभी क्यों उसको ऊपर और कुछ बात बताओ, अरे जो कुछ करते हैं हम भगवान को अर्पण कर तभी इसमें दोष किया है, हैं इसलिए ये चीज़ को हम कल सुनेंगे, ठीक है। वैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर परमानंदे हरि हरि बोल। वाला बता दिया महाराज जी राय राम। हाँ तब